नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। हम लोगों ने थ्योरी के सारे पॉइंट्स देख लिए थे, तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसमें। क्वेश्चन एक लेते हैं, सपोज एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और उस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं। इधर हो गया प्लस क्यू सपोज, इधर हो गया प्लस क्यू और इधर हो गया प्लस क्यू। ट्रायंगल का साइड हम लोग ए ले लेते हैं, ये हो गया सिचुएशन वन। और एक दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें से ये वाला जो क्यू है प्लस, इसको हम लोग माइनस क्यू कर देते हैं, तो ये सेकेंड केस हो गया है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए हो गया, बी एंड सी, तो मैं निकालना है इसमें फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए इन बोथ केसेस। देखो आप ट्राई करो, करना क्या आपको, इसमें हम लोगों ने ये बोला था कि जो फोर्स लगेगा अगर मोर देन टू पॉइंट चार्जेस हैं, तो हर एक चार्ज की वजह से जो भी फोर्स आएगा उसका हमें वेक्टर एडिशन लेना है। तो जैसे पॉइंट ए के ऊपर जो फोर्स, पॉइंट ए के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स बी और सी वाले चार्जेस लगाएंगे, तो उन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और फिर उसका हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो एक बार ट्राई करो अपने आप पॉइंट नंबर वन में क्या आएगा। तो जैसे B और C की वजह से देखें अगर, तो देखो पॉइंट A पॉइंट B, A और B दोनों पे जो चार्जेस हैं प्लस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो A पे जो रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स निकालें तो ये F इसके ऊपर आ जाएगा। C की वजह से निकालें अगर, तो C की वजह से उस पे फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा। इस F का वैल्यू अगर लिखें तो इस F का वैल्यू किसी एक चार्ज की वजह से कितना फोर्स होगा, तो किसी एक चार्ज की वजह से आएगा 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 Q2 की जगह हो जाएगा Q square और अपॉन R square, R square का मतलब हो गया A square। और ध्यान से चेक करो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ये 60 डिग्री आएगा, इक्विलेटरल है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये दो फोर्सेस हैं F एंड F, और दोनों के बीच का एंगल 60 दिया है, तो इनका रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, और ये 30-30 होने की वजह से इसका भी cos 30 और इसका भी cos 30, तो पहले केस में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 2f cos 30 बनेगी। cos 30 का वैल्यू रख देंगे तो ये f रूट 3 आ जाएगा, तो पहले पार्ट का आंसर बन जाएगा सिंपली रूट 3 q स्क्वायर अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट में इसी तरह से अगर हम देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर इस पे एफ इधर की तरफ आएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लस पे जो फोर्स होगा वो टूवर्ड्स बनेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 120 बनेगा, ठीक है। तो 120 के केस में ये वाला एंगल 60 डिग्री
और ये वाला एंगल 60 डिग्री। ध्यान से ये बात जरूर देख लेना कि इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा था और इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। वैल्यू अगर निकालें इसकी तो एफ रिजल्टेंट विल बी एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 तो ये हो जाएगा 2f cos 60, तो 2f cos 60 की वैल्यू f के ही इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम लोग सिंपली q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंपली k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपने आप कर लिया था, क्लियर है? कोई डाउट है वेक्टर एडिशन में या फोर्स के डायरेक्शन में तो बताओ। कोई नहीं डाउट है तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट सपोज हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं साइड ए और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है इसमें फाइंड ए पार्ट में हमको निकालना है, ए पार्ट में निकालना है नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज केप्ट एट कॉर्नर, किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। और बी पार्ट में फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिफ्थ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट सेंटर सच दैट ऑल फाइव चार्जेस are in equilibrium, such that all five charges are in equilibrium. देखिए करिए इसको try. तो वो किसी भी एक चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं इसमें, तो जैसे ये नीचे वाले कॉर्नर वाले फोर्स के ऊपर देख लेते हैं, तो एक इसके ऊपर एफ इधर से लगेगा, एक एफ फोर्स इसकी वजह से आएगा। ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्लियर है?
और जो डायगोनली अपोजिट वाला चार्ज है उसकी वजह से एक फोर्स इधर आएगा। ध्यान से जरा एक बात देखना कि जो डायगोनली अपोजिट वाला चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो एफ बाई टू आएगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, क्योंकि ये जो एफ है इस एफ की वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन ये जो डायगोनल वाला चार्ज है इसका डिस्टेंस √2a है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a² बन जाएगा, यानी कि टू का फैक्टर और आएगा। तो अगर बाकी दोनों का फोर्स हम एफ बोल रहे हैं तो डायगोनल वाले का फोर्स एफ बाई टू हो जाएगा। अब इन तीनों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो एफ रिजल्टेंट की वैल्यू, अब देखो एक्सट्रीम वाले जो एफ एफ है उनका रिजल्टेंट √2f आएगा और वो √2f एफ बाई टू के साथ कोइंसाइडिंग होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट वुड बी एफ बाई टू प्लस √2f। ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2। देखो ध्यान से ये पार्ट का ये आंसर है, इसमें से कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, या फिर आप अपना सिस्टम पे अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। एफ बाई टू हमने इसलिए ऐड किया है, ध्यान से समझना इसको, जैसे जो दो एफ हैं ये एफ एक इधर था ये एफ एक इधर था, तो केवल इन दोनों एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, और ये एफ एफ का रिजल्टेंट होगा √2f, और ये जो √2f है ये एफ बाई टू के साथ कोइंसाइडिंग आएगा। एक्चुअली हमको तीन फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना है, जो तीन एरो मैंने दिखाए हैं रेड कलर से, तो जो बाहर के दो एफ हैं उनका रिजल्टेंट √2f है और वो एफ बाई टू के साथ कोइंसाइड करेगा। अब अगर कोइंसाइड कर रहा है सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, तो √2f और एफ हमने इसलिए ऐड कर दिया डायरेक्टली एफ बाई टू। एफ बाई टू क्यों ऐड किया है, इसका डाउट क्लियर है जिसने ये पूछा है? एफ बाई टू इसलिए हमने लिया है, देखो प्लस क्यू और प्लस क्यू जो डायगोनल वाले हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखो तो उनके बीच का डिस्टेंस √2 आएगा, तो ये फंक्शन बनेगा, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² और एफ हमने किसको लिया है, एफ लिया है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, तो अगर हम एफ के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो एफ के टर्म्स में ये एफ बाई टू आ जाएगा। तुम अलग अलग वैल्यूज लिख लो फिर ऐड कर दो। ए पार्ट बताइए क्लियर है ना, बी पार्ट ट्राई करो, देखो बी में क्या निकालना है। बी में हमको एक फिफ्थ चार्ज प्लेस करना है सेंटर पे, और इस तरह से प्लेस करना है कि ऑल दी फाइव चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सारे के सारे पांच के पांच चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएं। देखो अभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि इन चारों चार्जेस में आपस में रिपल्शन लग रहा होगा, तो अगर हम किसी भी एक चार्ज को रिलीज करते हैं उसकी जगह से तो वो डायगोनल के अलोंग भागेगा, चारों रिलीज करेंगे एक साथ तो वो चारों डायगोनल के अलोंग भागेंगे रिपल्शन की वजह से, तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन अगर हम सेंटर पे कोई एक चार्ज ऐसा रख दें जिससे वो पांच के पांचों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो सबसे पहले तो ये सोच के बताओ कि वो जो सेंटर पे चार्ज रखना चाहिए वो पॉजिटिव रखना चाहिए या निगेटिव रखना चाहिए, ये अपने आप लॉजिकली सोच के बताओ। सेंटर पे जो चार्ज रखना चाहिए वो नेगेटिव रखना चाहिए, करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छा दूसरी बात ये बताओ, सेंटर पे हम कोई भी चार्ज रखें अगर सपोज,
तो क्या वो पर्टिकुलर चार्ज हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा? मैं उन चारों की बात नहीं कर रहा हूं जिसको हमने सेंटर पे रखा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। सेंटर पे हम कोई भी चार्ज रख दें, क्यू, कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके ऊपर फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे, क्योंकि जो सेंटर पे होगा उस पर चार फोर्सेस लग रहे होंगे और वो चारों फोर्सेस ध्यान से चेक करो तो बैलेंस आउट कर रहे होंगे। तो सेंटर पे तो तुम किसी को भी रखो, सेंटर वाला चार्ज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से चूज करना है कि कॉर्नर्स के जो फोर चार्जेस हैं ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। नहीं, एनी नेगेटिव चार्ज से काम नहीं बनेगा, पांचों को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड का रखना होगा। अब जैसे ये जो चार्ज है जो मैंने निकाला है फोर्स, ये जो चार्ज है, लेट से पॉइंट डी पे जो चार्ज है, पॉइंट डी पे जो चार्ज है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ए पार्ट में हम लोगों ने निकाला है। तो अब अगर हम इसके सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखें सच दैट इस माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स लगे इसके ऊपर वो इस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस आउट कर ले, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से? ये वाला डिस्टेंस ध्यान से चेक करना, तो ए बाई रूट टू हो जाएगा। तो बी पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस है ए बाई रूट टू का स्क्वायर, और ये जो फोर्स है ये वही एफ रिस्टोरिंग हो जाना चाहिए, सॉरी एफ रिजल्टेंट हो जाना चाहिए जो मैंने इसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये टू आ जाएगा ऊपर अपॉन ए स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन बाई टू प्लस रूट टू आएगा। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू देख लो कितनी निकल के आएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है कैपिटल क्यू बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस रूट टू। ठीक है, ये आंसर बनेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका जो नेचर है वो नेगेटिव होना चाहिए। बताओ क्लियर है या नहीं? सेंटर पे हमको नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए। अब अगर हमने डी पे रखे हुए चार्ज को बैलेंस कर लिया है तो बाई सिमेट्री बोल सकते हैं कि ए बी सी पे भी जो चार्जेस होंगे वो सारे के सारे बैलेंस बनेंगे। क्लियर क्वेश्चन या कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सपोज एक चार्ज है 4q, प्लस का 4q है और एक है प्लस का 9q। ठीक है, और उनको हमने सपोज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में गैप सपोज स्मॉल डी है, तो अगर इनको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो दे विल रिपेल। ठीक है, फिक्स चार्जेस नहीं है,
तो हमें करना क्या है कि उनको इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए हमें निकालना है फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम. और इसमें हमको निकालना है ऑल्सो फाइंड पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड ऑल्सो फाइंड पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड. mg वगैरह का इफेक्ट नहीं लेना है. मैंने कहा ना स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं तो नॉर्मल और mg तो बैलेंस हो रहे हैं. हमें सिर्फ कोलंबिक फोर्स को डिस्कस करना है. 4q और 9q दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. निकालो इसमें. तो हमें तीन चीजें निकालनी है एक तरह से. पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज. देखो ध्यान से, अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो कुछ आंसर आया है तो बताओ. d by 3 36q upon 25 सही है. नेगेटिव भी सही है. पोजीशन क्या आएगी? माइनस चार्ज होना चाहिए. मैग्नीट्यूड 36q upon 25 करेक्ट है. पोजीशन आ रही है 2d अपॉन 5 फ्रॉम 4q करेक्ट. आंसर ये आना चाहिए. नेगेटिव चार्ज एट ए डिस्टेंस 2d बाय 5 फ्रॉम 4q. ठीक है, वेरी गुड. देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं इसको हम लोग. देखो सबसे पहले तो तीन ओवरऑल चार्जेस है हमारे पास जिनके ऊपर हमको इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे.
तो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अगर और हम चाहते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो, तो वो तभी हो सकता है जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट में हो। तो इसका मतलब है कि वो जो थर्ड चार्ज रखना होगा हमको वो इसी लाइन पे ही रखना होगा जिस लाइन पे ये दोनों चार्जेस हैं, इस लाइन के ऊपर या नीचे पॉसिबल नहीं आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? F1 और F2 किसी तीन चार्जेस हैं जिसमें से किसी एक चार्ज के ऊपर दो फोर्सेज लग रहे होंगे, तो वो जो दो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तो वो सेम लाइन पे होने चाहिए। अब बात आती है कि वो जो थर्ड चार्ज है वो हम कहाँ रखना चाहिए। तो देखो हम लोग चेक करते हैं कैसे कैसे चेक करेंगे। सपोज अगर हम वो थर्ड चार्ज यहाँ पे रखते हैं इस पोजीशन पे पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे अगर हम रखेंगे तो देखो प्लस 4q और प्लस 9q, अगर हम मान लें कि जो हमने चार्ज रखा है वो प्लस का है, तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही चार्जेस उसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, तो रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे तो इधर इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम उस चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, अगर वो चार्ज प्लस का हुआ तो यहाँ पे भी दोनों उसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस 4q प्लस 9q दोनों की वजह से फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा उस चार्ज के ऊपर। माइनस ले लोगे तो अट्रैक्शन का हो जाएगा, प्लस ले रहे हो तो रिपल्शन का आएगा, बट आएगा सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है कि बीच में रखना होगा, ठीक है। अब सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि बीच में हमने उसको पॉइंट पी पे रखा हुआ है और 4q से एक्स डिस्टेंस पे है, तो अगर 4q से एक्स डिस्टेंस है तो 9q से उसका डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर हम इस चार्ज को प्लस का लेते हैं तो देखो जिस चार्ज को हम रखने वाले हैं वो चार्ज तो पी पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 9q और 4q दोनों उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लेकिन हमको 4q और 9q का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो 4q और 9q का भी मेंटेन करना है अगर, तो 4q के ऊपर प्लस q की वजह से रिपल्शन आएगा इधर की तरफ और 9 की वजह से भी रिपल्शन आ रहा है इधर की तरफ लेफ्ट साइड में ही, तो फिर बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होने से क्या होगा कि 4q के ऊपर निगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स और 9q की वजह से फोर्स बैलेंस आउट हो सकता है। 9q के ऊपर फोर्स देखो अगर 4q की वजह से रिपल्शन होगा और माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन होगा, और माइनस क्यू को तो फर्क पड़ता नहीं कि कोई भी निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो तो बैलेंस रहेगा ही रहेगा। तो हम इसमें पहला कंडीशन ये लिखेंगे, बाकी सब हटा दो। पहला कंडीशन इसमें लिखेंगे बैलेंसिंग फोर्सेस एट माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के ऊपर अगर हम फोर्सेस बैलेंस करते हैं पहले, तो माइनस क्यू के ऊपर देखो 4q की वजह से फोर्स लगेगा के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के। 9q की वजह से फोर्स कितना लगेगा, 9q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकल के आएगा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन डी माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट ले लिया मैंने उस इक्वेशन का, 4 और 9 थे नीचे, एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डी माइनस एक्स होल स्क्वायर डी माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये 2d माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2d बाई 5। देखो ध्यान से, और फिर एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे बैलेंसिंग फोर्सेस ऑन। अब देखो प्लस 4q भी ले सकते हो या 9q भी ले सकते हो, तीन में से अगर हमने दो को बैलेंस कर दिया तो तीसरा अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4q और 9q में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 4q के ऊपर अगर हम फोर्सेस देखें तो 4q के ऊपर 9q कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो के q1 q2 9q की वजह से जो फोर्स होगा वो डी स्क्वायर के हिसाब से होगा, और 4q के ऊपर स्मॉल q कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो के 4q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हमको मालूम है, सब्सटीट्यूट करते हैं देखो क्या मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमको मिलेगा 9q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन, अब इस x की वैल्यू है 2d बाई 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें q का वैल्यू मिल जाएगा 36q अपॉन 25, और नेगेटिव होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही लॉजिकली निकाल चुके हैं, ठीक है ना।
और उसका जो नेचर है वो नेगेटिव। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं? कुछ डाउट है तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज इसको रिपीट करो। और 4q को मैंने प्लस से माइनस कर दिया, यानी माइनस का 4q है और प्लस का 9q है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बताओ, किसी भी फोर्स का डायरेक्शन, वैल्यू, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट का आंसर बोल रहा है कि 4q से 2d डिस्टेंस पे। देखो इस बार उनके बीच में रखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर उनके बीच में हम कोई चार्ज रखते हैं, चाहे वो प्लस रखो या माइनस रखो, प्लस रखोगे तो प्लस की वजह से रिपल्शन आएगा, माइनस की वजह से अट्रैक्शन आएगा, तो इसके ऊपर बैलेंस नहीं बनेगा बीच में, ठीक है ना। फिर बीच में नहीं बनेगा तो दो पॉइंट और है, 9q के राइट में या फिर 4q के लेफ्ट में। तो देखो अगर हम 9q के राइट में रखते हैं और अगर प्लस चार्ज रखते हैं तो 9q की वजह से उसको रिपल्शन मिलेगा और 4q की वजह से उसको अट्रैक्शन मिलेगा। तो देखा जाए तो फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट तो आ रहे हैं, 9q के राइट में पॉसिबल क्यों नहीं है? 9q के राइट में भी पॉसिबल नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो 9q के राइट में पॉसिबल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 9q से वो चार्ज नजदीक रखा हुआ है, तो 9q की वजह से उसके ऊपर फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, और 4q का मैग्नीट्यूड भी कम है और 4q से डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो 4q का फोर्स 9q के फोर्स को कभी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इक्वल नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 9q के राइट में भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह बचती है, ठीक है ना, 4q के लेफ्ट में। तो यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे हम एक चार्ज रखेंगे, और कैसा चार्ज रखा जाए, प्लस रखें या माइनस रखें? तो प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस रखना होगा चार्ज यहाँ पे, बस बाकी कैलकुलेट करो उसी तरह से, बाकी दोनों जगह पॉसिबल नहीं है। बीच में पॉसिबल क्यों नहीं है, 9q के राइट में पॉसिबल क्यों नहीं है, ये दोनों बातें क्लियर है या नहीं है?
तो सिमिलरली अगर हम बैलेंसिंग फोर्सेस ऑन प्लस क्यू करते हैं, तो प्लस क्यू के ऊपर अगर फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो ये बनेगा के स्मॉल क्यू इंटू फोर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्मॉल क्यू, नाइन क्यू की वजह से होगा, नाइन क्यू अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ये टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन डी प्लस एक्स। तो यहाँ से तुम्हें एक्स का वैल्यू टू डी के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से बैलेंसिंग फोर्सेस फोर क्यू और नाइन क्यू में से कोई एक चार्ज ले लो, माइनस फोर क्यू सपोज ले लें, तो माइनस फोर क्यू के ऊपर के स्मॉल क्यू इंटू फोर क्यू, अब एक्स की वैल्यू तो पता है तो वही वैल्यू रख देते हैं, टू डी, टू डी स्क्वायर, और नाइन क्यू की वजह से के फोर क्यू नाइन क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे फोर क्यू तो कैंसिल हो जा रहा है, तो इसे स्मॉल क्यू का वैल्यू आ रहा है 36 कैपिटल क्यू। तो वैल्यू भी आ गई, पोजीशन भी आ गई, और इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। देखो 9 क्यू के राइट में तो कोई भी चार्ज पॉजिटिव नहीं आएगा, उसका रीजन समझना। 9 क्यू के राइट में अगर हम कोई भी चार्ज रखते हैं जैसे पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे 9 क्यू का डिस्टेंस है कम, तो 9 क्यू का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और 9 क्यू का डिस्टेंस भी कम है, तो 9 क्यू का फोर्स उस चार्ज के ऊपर हमेशा ज्यादा होगा, जिसको 4 क्यू कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो पी पॉइंट पे तो हम कोई भी चार्ज रख के बैलेंस नहीं कर पाएंगे, 9 क्यू का फोर्स उसके ऊपर हमेशा ज्यादा बनेगा डिस्टेंस कम होने की वजह से। हाँ 4 क्यू के लेफ्ट में पॉसिबल होगा, क्योंकि 4 क्यू छोटा चार्ज है तो 4 क्यू से उसका डिस्टेंस भी कम होगा, 9 क्यू बड़ा चार्ज है तो 9 क्यू से उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तभी पॉसिबल आ पाएगा। क्लियर है जो भी डाउट पूछा जिसने? और कोई डाउट इसमें? देखो 9 क्यू के राइट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं बनेगा, बिकॉज 9 क्यू का जो फोर्स है उस चार्ज के ऊपर ज्यादा लगेगा और 4 क्यू का फोर्स उस चार्ज पे कम लगेगा, तो वो फोर्सेस बैलेंस कभी नहीं बन पाएंगे। तो 9 क्यू के राइट वाले रीजन में कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा कैसा भी चार्ज, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी फोर्स जीरो होने की, वो है 4 क्यू के लेफ्ट में। अगर हम 4 क्यू के लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज लेते हैं, देख लो जैसा तुम जो तुम्हारा डाउट है तुम अपने आप वेरीफाई कर सकते हो, रख के देखो ये 4 क्यू है, ये प्लस का 9 क्यू है। अब कह रहे हो कि इसके लेफ्ट में अगर हम नेगेटिव रखते हैं, तो देखो इसके लेफ्ट में अगर नेगेटिव रखोगे तो 4 क्यू के ऊपर फोर्सेज अगर देखोगे तो उस नेगेटिव की वजह से रिपल्शन आएगा और इस 9 क्यू की वजह से अट्रैक्शन आएगा, तो ये 4 क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं बनेगा। सिमिलरली इस 9 क्यू के ऊपर दोनों की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं बनेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही रखना होगा। ठीक है, और कोई डाउट?
नेक्स्ट चलो देखते हैं, सपोज ये दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं और इनके ऊपर दो मासेज हैं m, q, इक्विलिब्रियम में दे आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. डेंसिटी ऑफ ईच बॉल इज सपोज सिग्मा. हमें इसमें निकालना है व्हेन द होल सिस्टम इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड विथ डेंसिटी रो, देन angle of divergence does not change. तो हमें निकालना है find dielectric constant of liquid. Dielectric constant of liquid. देखो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ के हैं, दोनों मास इक्वल हैं, दोनों चार्ज इक्वल हैं, तो ये एंगल शुरू में इक्वली बन रहा होगा, बट ये गिवन नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है. हमें हर एक बॉल का डेंसिटी गिवन है और लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है हमको.
निकाला इसमें कुछ? देखो जब वो एयर में है, ठीक है, तो किसी भी एक बॉल के ऊपर जो फोर्स होगा, mg इधर की तरफ हो गया, टेंशन इधर की तरफ हो गया, और इनका आपस में जो कूलंबिक रिपल्शन है वो ये fc इधर की तरफ हो गया। fc की वैल्यू अगर हम लोग लिखे हैं तो सपोज अगर ये डिस्टेंस r है तो ये बन जाएगा k q स्क्वायर, या इसको लिखना चाहिए 1/4πε0 into q² / r² ये वाला एंगल थीटा है, तो इक्वेशन आ जाएगी t cos थीटा mg के इक्वल होगा और t sin थीटा fc के इक्वल होगा। fc को fc लिख सकते हैं, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों से अगर तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज fc अपॉन mg। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। आंसर रो और सिग्मा के टर्म्स में आएगा, आंसर रो और सिग्मा के टर्म्स में आएगा। और जब हम ये पूरा का पूरा सिस्टम लिक्विड में डाल देंगे तब जरा ध्यान से देखना कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो चेंज हो जाएंगे। तो देखो उसके ऊपर mg तो वैसे का वैसे ही लगेगा, टेंशन की वैल्यू चेंज हो सकती है तो उसको हम टी डैश बोल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम थीटा ही ले लेते हैं। कूलंबिक फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो मैंने बताया था कि कूलंबिक फोर्स जो है वो पहले वाले फोर्स से 1/k टाइम्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा, तो 1/4πε0 k बन जाएगा, तो एफ सी अपॉन के बोल दिया इसको। और एक और फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ अप ऊपर की तरफ। एफ अप की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो एफ अप की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो बॉडी वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल m अपॉन रो इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे लिक्विड में तो इक्वेशन बनेगी कि t डैश cos 6 थीटा इज इक्वल टू mg माइनस एफ अप, और एफ अप का वैल्यू भी देखो तो इसको लिख सकते हैं mg 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, और t डैश साइन थीटा की वैल्यू तो ये हो जाएगा एफ सी अपॉन के। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमको tan थीटा का वैल्यू मिलेगा, देखो ध्यान से tan थीटा का वैल्यू मिलेगा एफ सी अपॉन एम जी इंटू के और 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों के tan थीटा इक्वल कर दो तो तुम्हें देखो ध्यान से k का वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 k का वैल्यू आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशंस, यही आ रहा है ना? और कुछ डाउट है तो बताओ। टू एम शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ m, ऋषभ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? मास तो वही है ना, सेम ही है, हम किसी एक मास के ऊपर फोर्स लिख रहे हैं,
हम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर, तो केवल एम ही लेंगे ना, पी एंड सिग्मा इंटरचेंज हो गए, हाँ करेक्ट, तो ये करेक्शन करना बनता है, बॉल का डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो ये चेंज कर देते हैं, ठीक ठीक ठीक, तो बॉल का डेंसिटी दिया हुआ था सिग्मा, तो m बाई सिग्मा इंटू रो लिक्विड इंटू जी, तो ये 1 माइनस रो बाई सिग्मा हो जाएगा, 1 माइनस रो बाई सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, एफ अप की जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें ये जो पहला वाला टर्म है ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दूसरा वाला टर्म हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड और तीसरा टर्म हो गया जी, और बॉडी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉडी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी वॉल्यूम इज मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ओके okay. और कोई डाउट इसमें, ठीक है, और इसमें देखते हैं एग्जांपल्स फिर, सपोज फिर से हम लोगों ने एक स्क्वायर लिया हुआ है और इस स्क्वायर का सेंटर हो गया और एक चार्ज है जो इस स्क्वायर के सेंटर से चार्ज का हाइट यहाँ पे सपोज रखा हुआ है हमने प्लस क्यू, और प्लस क्यू इसके सेंटर से सपोज ए बाई रूट टू हाइट पे है, साइड इसका ए है और सेंटर से Q दिया हुआ है वो हाइट पे दिया हुआ है, यानी कि स्क्वायर नीचे एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा और जो प्लस Q है वो जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सपोज पहले वाले पार्ट में हम लोग ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में हम लोग इधर वाला चार्ज माइनस क्यू ले लेते हैं और इधर वाला चार्ज भी माइनस क्यू ले लेते हैं, एंड सपोज थर्ड पार्ट में हम लोग ये दोनों चार्ज माइनस कर देते हैं और ये दोनों चार्ज प्लस कर देते हैं, तो मैं इन तीनों ही केस में वो जो हाइट पे रखा हुआ है प्लस क्यू उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज केप्ट एट ए हाइट ए बाई रूट टू फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर, देखिए ट्राई करिए बताइए,
नेट फोर्स हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैप्ट एट पॉइंट ओ। ए पार्ट का आंसर बता रहे हैं टू रूट टू क्यू स्क्वायर के इंटू के अपॉन ए स्क्वायर। देखो क्या करो, ए पार्ट के लिए, ए पार्ट में अगर हम किसी एक चार्ज की वजह से देखें, किसी एक चार्ज की वजह से जो कॉर्नर में रखे हुए हैं, तो ये जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, तो ये वर्टिकल से 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी a बाई रूट टू है और ये भी a बाई रूट टू है, तो वो जो एंगल बनेगा ऊपर वर्टिकल के साथ, ये वाला एंगल 45 होगा। और अगर हम इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार में हम दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस, मतलब एक बार में एट ए टाइम मैंने ये तीन चार्जेस कंसीडर किए जो ये रेड से मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल प्लेन बनेंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल हो जाएगा और एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से सोचोगे तो ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री पे आएंगे। अब ये जो दोनों एफ मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों एफ वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये दोनों एफ के जो रिजल्टेंट हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे, और इसी तरह से वो जो दूसरा वाला ट्रायंगल बनेगा, चाहो तो इसको अलग से ट्रायंगल के फॉर्म में समझ सकते हो, ये मैंने एक ट्रायंगल लिखा हुआ है, ये है प्लस क्यू, इधर है प्लस क्यू और इधर है प्लस क्यू, ठीक है, और ये हाइट हो गया, तो ये डिस्टेंस भी a बाई रूट टू है और आधा डायगोनल भी a बाई रूट टू है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा, और 45 डिग्री की वजह से ये वाला फोर्स f और ये वाला फोर्स f, ये दोनों फोर्स एफ वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए पार्ट में, तो ये इन दोनों की वजह से 2f cos 45 होगा, और ऐसे ही जो बाकी दोनों चार्जेस बचे हुए हैं तो उनकी वजह से भी इतना ही आएगा, तो ये 2f cos 45 प्लस 2s cos 45, तो एक तरह से ये 2 रूट 2 टाइम्स f हो जाएगा, और F है किसी एक की वजह से फोर्स, तो एक की वजह से फोर्स निकालोगे तो ध्यान से चेक करो, ये a by root 2 है, ये by root 2 है, तो चार्जेस से डिस्टेंस a बनेगा, तो ये आ जाएगा 2 root 2 k q square upon a square, और डायरेक्शन इसका बनेगा वर्टिकली
अपवर्ड. दिस इज फॉर पार्ट ए. देखो ध्यान से, दिस इज फॉर पार्ट ए. थर्ड पार्ट में आंसर जीरो आएगा. थर्ड पार्ट का भी आंसर करेक्ट है. थर्ड पार्ट में आंसर जीरो कैसे है, पहले थर्ड पार्ट कर लो. थर्ड पार्ट क्लियर है? थर्ड पार्ट में आंसर जीरो कैसे है, देखो ये जो प्लस चार्जेस हैं, इन प्लस चार्जेस की वजह से जो एफ और एफ बनेंगे तो उनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, जिसको हम लोगों ने पहले भी लिखा है, तो 2f cos 45. और ये जो दूसरे माइनस माइनस चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो फोर्स आएगा वो उतना ही फोर्स आएगा 2f cos 45, तो वो नीचे की तरफ आएगा. तो थर्ड पार्ट में तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी रिजल्टेंट. थर्ड पार्ट जीरो क्लियर है, और फर्स्ट पार्ट में ये जो आंसर लिखा हुआ है ये क्लियर है. सेकंड पार्ट के लिए क्या करो, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल वाले चार्जेस को एट ए टाइम कंसीडर करते हैं, जैसे ए पार्ट किया है. ठीक है, जैसे ए पार्ट किया है, ठीक वैसे ही बी पार्ट के लिए भी डायगोनल वाले चार्जेस एक साथ लेते हैं. तो इसमें क्या है ना, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों ट्रायंगल इसी तरह से बनेंगे, और ये प्लस है, तो इस प्लस के ऊपर प्लस की वजह से जो फोर्स है वो एफ इधर आएगा, और माइनस की वजह से जो फोर्स है वो एफ इधर आएगा. ध्यान से चेक करो, तो इन दोनों एफ का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ बनेगा, और ये एंगल भी इस पे 45 आएंगे, तो ये रिजल्टेंट इनका इधर की तरफ बनेगा, और ये रिजल्टेंट आएगा √2f के इक्वल, यानी √2k q² / a² लेकिन ये आया है एक ट्रायंगल की वजह से. ध्यान से तुम चेक करो कि जो दूसरा ट्रायंगल आएगा इसकी वजह से भी उतना ही फोर्स होगा, दूसरे ट्रायंगल की वजह से भी उतना ही फोर्स आएगा, लेकिन जो दोनों ये फोर्स निकल के आएंगे √2f √2f, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगे, और इन दोनों के बीच में एंगल 90° का बनेगा. तो फाइनली जो आंसर आएगा वो √2f और √2f का जो रिजल्टेंट है वो ये बनेगा फाइनल आंसर. तो जो f रिजल्टेंट बनेगा वो 2f के इक्वल होगा. तो a पार्ट और b पार्ट का आंसर सेम नहीं आएगा, कई लोगों ने सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये हॉरिजॉन्टली आएगा. इनफैक्ट हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दें, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया. तो देखो बी और डी पे जो चार्ज हैं, ए और सी पे जो चार्ज हैं, उसकी वजह से √2f अलोंग ए सी बनेगा, और बी और डी पे जो चार्ज हैं उसकी वजह से √2f अलोंग बी डी बनेगा. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो ये वाले डायरेक्शन के अलोंग बनेगा, ठीक है ना. तो ये हॉरिजॉन्टली आएगा अलोंग एक्स. एक बार ध्यान से देख लो बी पार्ट, कुछ डाउट है बताओ. बी पार्ट में मैंने जो ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ये पूरा का पूरा एंगल 90° बनेगा. सी पार्ट का आंसर जीरो क्लियर है, बी पार्ट का आंसर 2f बनेगा, √2f √2f का रिजल्टेंट, और ए पार्ट का आंसर 2√2f बनेगा, विच इज वर्टिकली अपवर्ड. बताओ इन तीनों में किसी में डाउट है तो.
सी पार्ट में क्या करो, सी पार्ट में पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, तो सिर्फ पॉजिटिव लोगे अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से रिजल्टेंट अपवर्ड जाएगा। सेकेंड टाइम में नेगेटिव नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव नेगेटिव की वजह से वही रिजल्टेंट एफ नीचे की तरफ आएगा, तो वो ऊपर और नीचे वाला एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनेगा सी पार्ट में। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को ए पार्ट बी पार्ट एंड सी पार्ट में? कोई डाउट नहीं है, तो इसमें हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। कूलम्स लॉ में वैसे तो और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कुछ एक क्वेश्चंस में जो है वो मैं अलग से ग्रुप पे ही डाल दूंगा, आप उनको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो आज का होमवर्क है वो एच सी वर्मा बुक में है, एच सी वी में आपको चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल करके, वॉल्यूम टू में मिलेगा, और उसमें आपको क्वेश्चंस जो करने हैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 अटेम्प्ट करके आना है नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है ना। एचसीवी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25, इज दैट ओके?